प्रॉफिट, अगेन प्रॉफिट, देन अगेन प्रॉफिट, लॉस, लॉस एंड देन प्रॉफिट, देन अ स्मॉल प्रॉफिट. सो दिस इज द स्ट्रेटजिक स्टॉक्स बैक टेस्ट किट जो कि बॉलिंजर बैंड पे है और ये सुभाष सर की स्ट्रेटजी है, तो इसको हम बैक टेस्ट करके देखते हैं. सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जो है बैक टेस्टिंग करी थी सुभाष सर की स्ट्रेटजी ऑन बॉलिंजर बैंड, और हमने देखा था बैंक निफ्टी में उसके बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, और हमने जो है इंट्राडे टाइम फ्रेम में बैक टेस्ट किया था, और लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको मैं बैक टेस्ट किट प्रोवाइड करूँगा. सो दिस टाइम मैं बैक टेस्ट किट प्रोवाइड कर रहा हूँ और साथ में निफ्टी में भी बैक टेस्ट करके देखते हैं इसको क्या ये प्रॉफिटेबल है. ये बैक टेस्ट किट आपको हेल्प करेगी टू ट्रेड इन इट इन द लाइव मार्केट, प्लस जो भी टाइम फ्रेम या फिर जो भी आप स्टॉक्स या कमोडिटीज सोच रहे हैं जहाँ इसको बैक टेस्ट करने जाते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है. और ये बैक टेस्टिंग सिर्फ क्लिक्स ऑफ सम नंबर्स एंड चेंजिंग ऑफ सम पैरामीटर्स पे बेस्ड होगी, आपको कोडिंग नहीं करनी, बहुत सिंपल है, प्लग एंड प्लेस टाइप जो है बैक टेस्ट किट है. सो लेट्स सी कि इसके निफ्टी में कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या ये सुभाषी सर की स्ट्रेटजी जैसे बैंक निफ्टी में अच्छा काम कर रही थी, बट हमने देखा था शॉर्ट साइड में काम कर रही है बैंक निफ्टी में, लॉन्ग साइड में काम नहीं कर रही, तो क्या ये काम कर रही निफ्टी में भी, और फिर हम देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में इसका जो है कैसा जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं. सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो. सो रूल्स ऑफ स्ट्रेटजी बहुत सिंपल हैं. एक बॉलिंजर बैंड हमने बनाया है और हमने 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन का और 20 पीरियड की मूविंग एवरेज का बनाया है, और ये स्टैंडर्ड ही है सेटिंग्स, बस मैंने 2 की जगह पर स्टैंडर्ड डिविएशन 1.5 ले लिया है क्योंकि सर ने बताया था 1.5 पे अच्छे रिजल्ट्स हैं. और बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट में हमने बैक टेस्ट किया था और बैक टेस्टिंग में जो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, स्ट्रेटजी जो है आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस इसकी. लास्ट काफ़ी देर से हम बैक टेस्ट करते आए हैं चीज़ों को, तो अब हमने 527 ट्रेड्स पे बैक टेस्ट किया है और इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं. मैंने और एक चीज़ ऐड अप करी है, हम सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग ट्रेड्स में फेलिंग कर रही थी स्ट्रेटजी, और मिनिमम स्टॉप लॉस एंड मैक्सिमम स्टॉप लॉस मैंने ऐड किया है क्योंकि सर ने इन्वेस्ट आजकल में बताया था कि वो फिक्स स्टॉप लॉस जो मिनिमम रखते हैं और इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, तो वो पैरामीटर्स भी डाल दिए अगर आपको लगे कि इन पे ज़्यादा अच्छा काम करता है तो आप देख सकते हैं. बाकी सेटिंग्स वही हैं जो लास्ट वीडियो में थी, अगर आपको लास्ट वीडियो देखनी है कि सेटिंग्स को समझना अच्छे से क्या क्या रखा हुआ है तो आप इस वीडियो से देखिए, आपको पता लग जाएगा क्या क्या सेटिंग्स रखनी होती है. सो स्ट्रेटजी प्रीटी सिंपल, अगर हमारा जो है कोई कैंडल जो है वो 5 EMA को टच नहीं कर रही अपर साइड से, मतलब अपर बैंड को टच नहीं कर रही और उसका लो भी टच नहीं कर रहा, तो वो ट्रिगर कैंडल होगी हमारी, अलर्ट कैंडल, दैट इज़ दिस वन जहाँ ऊपर रेड डॉट बना हो रहा है, लेट मी जूम इट फॉर यू. और हम जो है बेसिकली जो है उसका हाई स्टॉप लॉस रखेंगे, एक कंडीशन हो सकती है, या फिर एक मिनिमम स्टॉप लॉस रखेंगे. तो यहाँ पर मिनिमम स्टॉप लॉस क्योंकि 70 पॉइंट्स का है, तो 70 पॉइंट्स के हिसाब से जो है आपका स्टॉप लॉस लाइन जो है बन के आ रही है, एंड इट विल गिव यू द स्टॉप लॉस लाइन इन रेड एंड प्रॉफिट लाइन इन ग्रीन, और आप अपना जो है लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इन पे. तो अगर टारगेट मीट नहीं हो रहा तो इंट्राडे एग्जिट में आपका जो है जो आपने टाइम दिया होगा तब एग्जिट होगी, तो जैसे टारगेट मीट नहीं हुआ तो एग्जिट हो गया. सो इसको जो है अगर बाय साइड में बात करें तो बाय साइड में सिमिलर ही है, अगर आपका जो है डाउन साइड के जो है बॉलिंजर बैंड को टच नहीं कर रहा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक्चुअली जो है अगर मैं लॉन्ग ट्रेड्स जो है भी लेता हूँ तो लॉन्ग ट्रेड्स लेने पर आपका जो है जैसे बाय हो रहा है यहाँ पर, और बाय जो है यहाँ पर ये अलर्ट कैंडल है क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड को टच नहीं कर रही है और इसके हाई ब्रेक होने पर हमारा जो एंट्री ले रहे हैं, बट यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है. तो स्टॉप लॉस में कंडीशंस जो है हमने रखी हुई हैं मिनिमम स्टॉप लॉस की, और इसकी इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, तो कोई मिनिमम कंडीशन नहीं होगी स्टॉप लॉस की, और मैक्सिमम तो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है स्टॉप लॉस मैंने. सो स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे रहेंगे बताता हूँ. स्टॉप लॉस विल बी बेसिकली जो आपका ट्रिगर कैंडल है उसका लो रहेगा,
ठीक है। अगर आपको इससे पीछे के हैंडल्स का भी लो लेना है तो वो भी आप चेंज कर पाएंगे यहाँ से सेटिंग से। तो दिस इज द पैरामीटर फॉर चेंजिंग द स्टॉप लॉस नंबर ऑफ बार्स, कितनी बार्स पीछे तक आपको लोएस्ट लो लेना है। इसको हम बैक टेस्ट करके देखते हैं ऑन निफ्टी नाउ। बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस इसका अच्छा था, निफ्टी में अब देखते हैं। निफ्टी का फ्यूचर चार्ट मैंने खोल दिया है और हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही बैक टेस्ट करेंगे इसको भी। सीधा खुलते ही दिखा है मेरे को एक प्रॉफिटेबल ट्रेड, दिस इज शॉर्ट। आपका जो लो ब्रेक पर आपका जो है एंट्री हो रही है, लिमिट ऑर्डर एंट्री है, और हम जो है यहाँ एग्जिट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट टारगेट जो है हरा जो है हमें मीट कर रहा है हमारे यहाँ पर। सिमिलरली आपका जो है एक और प्रॉफिट दिख रहा है, दिस इज बाय साइड। बाय साइड में आपका जो है यहाँ एंट्री हो रही है और स्टॉप लॉस रखा हुआ, कुछ मिनिमम स्टॉप लॉस होगा और यहाँ एग्जिट हो रहा है बेस्ड ऑन योर कैंडल क्लोजिंग एट इंट्राडे एग्जिट। इसके रिजल्ट देखते हैं हम इसमें। इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग ऑन बोथ साइड्स, मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट पे परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। मैंने कमीशंस और स्लिपेजेस ले रखी हैं जैसा कि हमें रिक्वायरमेंट थी, हमने लास्ट वीडियो समझाया था कैसे ये ले रखी हैं ये। बाय साइड में अगर हम रिस्क रिवॉर्ड भी चेंज कर लें, 2.5 का रखें, तब भी हमारा जो है प्रॉफिट नहीं चेंज हो रहा। हम सिर्फ शॉर्ट ट्रेड करते हैं इसमें, तो शॉर्ट ट्रेड्स में आपका जो है बीच में प्रॉफिटेबल हुआ था सिस्टम, बट फिर से लॉस हो गया, काफ़ी लॉस है बैंक निफ्टी निफ्टी में, सॉरी। और इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, शायद मे बी ये 3 पे दे रहा हो अच्छा रिजल्ट, नहीं 3 पे भी लॉस ही है, 2.5 पे उस पे भी लॉस है, 2 पे लॉस अगेन, 3.5 पे लॉस। दैट मीन्स व्हाट, बैंक निफ्टी में इसका काम नहीं आ रहा है स्ट्रेटजी, तो बैंक निफ्टी में जो है ये परफॉर्मेंस दे दी। प्लस मैंने एक और चीज़ आपके ध्यान में अगर आए तो डाली है, दैट इज ट्रेड ओनली व्हेन प्राइस इज कंसोलिडेटिंग, मतलब आपका जो है राइजिंग या फिर फॉलिंग पोजिशन बैंड पे, जैसे यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है तो यहाँ तो ठीक है, ठीक है, बट जब जब राइजिंग होगा, जैसे यहाँ राइजिंग बोलिंजर बैंड, तो इस स्टेट पे आपका जो है ट्रेड ना लें। ये सेटअप डाला है, तो ये सेटअप अगर मैं ऑन करता हूँ तो मुझे कुछ प्लॉट शेप दिखेंगे, जैसे यहाँ पर प्लॉट शेप दिख रहे हैं, दीज आर द कंसोलिडेशन जहाँ पर कंसिडर कर रहा है, तो यहाँ सब जगह ट्रेड लेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर जैसे फॉलिंग है तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेगा, बट इस पर भी हमारे बैक टेस्ट रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं हमको अच्छे निफ्टी में। रुकिए जरा, थोड़े बेटर हुआ है बट लॉस में ही ओवरऑल। आप इस किट को यूज़ कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और देख सकते हैं खुद से कि यह क्या परफॉर्म कर रही है। अगर आपको पोजिशनल जो है टेस्ट करना है, क्योंकि सर ने बोला था कि पोजिशनल भी अच्छा काम करती है, तो इंट्राडे बैक टेस्ट मैं हटा रहा हूँ और ओनली शॉर्ट ओनली लॉन्ग भी हटा रहा हूँ और ये भी हटा रहा हूँ। और अब हम देखेंगे पोजिशनल में इसका जो है रिटर्न कैसे आ रहे हैं। तो नीचे आपके जो है स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, 1.5 ही रखा है, इसको आप 2 करके भी देख सकते हैं, आप जैसे मर्जी खेलना चाहे इसके साथ खेल सकते हैं, आपको दिखता रहेगा रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। पोजिशनल में अगर मैं बात करूँ तो हम टाइम फ्रेम लेते हैं डेली का, और डेली में हम जो है बैक टेस्ट करते हैं इसको, लेट्स से निफ्टी में ही बैक टेस्ट करते हैं। और निफ्टी में जैसे देखिए आप शॉर्ट आया है एक, और शॉर्ट में जो है आपका अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि खुद से आप चार्ट में कर सकते हो। आपको चार्ट चेंज करना है, आपको टाइम फ्रेम सेट करना है सिंपली अपना, और फिर आपको जो है स्ट्रेटजी टेस्ट में जाना है और आपको परफॉर्मेंस दिखेगी। जैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको दिख रही है, तो फ्यूचर्स में आपका जो है यहाँ भी रिजल्ट्स जो नहीं मिल रहे हैं आपको, डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी में काम नहीं कर रहा है, ये 209 ट्रेड्स में टेस्ट हुआ है। और ये टेस्टिंग फेज क्या रहा है, टेस्टिंग पीरियड हमारा जो रहा है वो 2019 से 2023 का रहा है, तो डेट मीन्स पिछले 4-5 सालों में इसने परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो हम जो है वन डे का टाइम फ्रेम देख लें तो हम अलग अलग पैरामीटर्स भी देख सकते हैं, तो अल्टीमेटली इसका परफॉर्मेंस आप खुद से देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में काम करता है नहीं करता, या फिर क्रूड ऑयल या फिर किसी भी गोल्ड में या फिर कोई भी कमोडिटी में आपका जो है चेक कर सकते हैं आप। इसी तरह के और बैक टेस्टिंग किट्स के लिए या फिर इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज के लिए
बैक टेस्टिंग के लिए यूट्यूबर्स की सब स्ट्रेटजीज जो हैं या फिर मेरी अपनी स्ट्रेटजीज जो हैं उनके लिए आप जो है जुड़ी रहिए चैनल के साथ। डू लाइक अस, डू सब्सक्राइब एंड अपना प्यार देते रहिए कमेंट्स में। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, टाटा बाय।